नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रकाश और आप देख रहे हैं द फ्रंट। गांधी परिवार से एसपीजी सुरक्षा वापस लेने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है और उसमें कल कांग्रेस और विपक्षी दलों ने जमकर विरोध किया, जमकर विरोध प्रदर्शन किया, संसद से वॉकआउट तक किया। दरअसल हाल ही में केंद्र सरकार ने गांधी परिवार से, यानी सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से और प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए जो एसपीजी सुरक्षा कवच था उसको वापस लेने का फैसला लिया था और अब ये सुरक्षा जेड प्लस के अंतर्गत कर दी गई है, यानी कि जेड प्लस के अंतर्गत सीआरपीएफ को इनकी सुरक्षा दी गई है। आपको बता दें देश के लगभग 54 लोगों को पहले से ही सीआरपीएफ जेड प्लस की सुरक्षा देती आ रही है और अगर इन लोगों को जोड़ लें जिनमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी हैं तो अब सीआरपीएफ को लगभग 58 लोगों की सुरक्षा का जिम्मा दिया गया है, जिनके लिए सीआरपीएफ वीवीआईपी सुरक्षा का इंतजाम करेगी। इसमें अमित शाह और मुकेश अंबानी भी शामिल हैं। अब बात करते हैं जेड प्लस जो सुरक्षा होती है वो क्या होती है, जेड प्लस सुरक्षा के तहत गांधी परिवार को किस तरह की सुरक्षा मिलेगी। कम से कम 100 जवानों की एक बटालियन होती है सीआरपीएफ की, जो जेड प्लस सुरक्षा जिनको मिली होती है उनके लिए सुरक्षा कवच का काम करती है, उनके घरों में, उनके कहीं आने जाने से लेकर के, और उनकी पूरी सुरक्षा का जिम्मा उनके ऊपर होता है। इसके लिए सीआरपीएफ ने हाल ही में राज्यों को और गृह मंत्रालय को चिट्ठी भी लिखी है और पूरा प्रोटोकॉल बताया है कि किस तरीके का प्रोटोकॉल होगा गांधी परिवार की सुरक्षा को लेकर के। हालांकि बुलेट प्रूफ कार भी दी जाती है इसके तहत, लेकिन सीआरपीएफ की तरफ से गृह मंत्रालय को, केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखी गई है और ये कहा गया है कि उनके पास इतनी अच्छी क्वालिटी की बुलेट प्रूफ कार नहीं है, इसलिए जो एसपीजी के द्वारा इनको बुलेट प्रूफ कार मिल रही थी वही बुलेट प्रूफ कार सीआरपीएफ को मुहैया कराई जाए। अब बात करते हैं एसपीजी सुरक्षा क्या होती है। पहले आपको बता दें कि आज अब सिर्फ एसपीजी सुरक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल रही है और केंद्र सरकार ने इन लोगों से जो सुरक्षा हटाई है, एसपीजी का सुरक्षा कवच हटाया है, उसके पीछे ये दलील दी गई थी कि गांधी परिवार के ऊपर अब इस तरीके का खतरा नहीं है कि उनको एसपीजी सुरक्षा मुहैया कराई जाए। हालांकि बवाल के बाद केंद्र सरकार के लोगों के की तरफ से और बीजेपी की तरफ से ये भी कहा गया कि जेड प्लस की जो सुरक्षा होती है वो उसी लेवल की होती है जिस लेवल की एसपीजी सुरक्षा होती है। आपको बताते हैं अब कि एसपीजी सुरक्षा क्या होती है और एसपीजी का गठन क्यों किया गया। आपको याद होगा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी और उनकी हत्या उन्हीं के सुरक्षाकर्मियों ने उनके घर पे की थी। उसके बाद 1985 में एसपीजी का गठन करने का एक प्रस्ताव आया और 1988 में एसपीजी का गठन को मंजूरी मिल गई संसद के द्वारा। इसमें लगभग 3000 जवान हैं जो अलग अलग बीएसएफ, आईटीबीपी, अलग अलग फोर्सेज से आते हैं और इनको स्पेशल ट्रेनिंग दी गई होती है। इस सुरक्षा कवच के तहत जैमर लगा दिए जाते, जैमर की गाड़ियां होती हैं, एक एम्बुलेंस होता है, लगभग काफ़ी मात्रा में जवान होते हैं जो कि एसपीजी के जवान होते हैं, वो इंटेलिजेंस तक के होते हैं, वर्दी वाले एजेंट तक इसमें शामिल होते हैं। जहाँ कहीं भी एसपीजी सुरक्षा कवच का जो आदमी है या जो भी व्यक्ति है अगर कहीं जाता है तो उसके पहले 24 घंटे पहले वहाँ जा करके उसकी प्रॉपर रेकी करते हैं, सुरक्षा का पूरा सारे हालात वो पता करके, और उसके बाद जब वो ग्रीन सिग्नल देते हैं तो उसके बाद ही जिस व्यक्ति को सुरक्षा कवच मिला होता है वो जाता है। गांधी परिवार को ये सुरक्षा 1991 से मिली हुई थी। 1991 में आपको याद होगा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हो गई थी जो लिट्टे ने की थी। उस वक्त तक एसपीजी सुरक्षा सिर्फ प्रधानमंत्री को मिला करती थी, प्रधानमंत्री, लेकिन राजीव गांधी की हत्या के बाद एसपीजी एक्ट में संशोधन किया गया और संशोधन के बाद ये किया गया कि जो प्रधानमंत्री के परिवार वाले होंगे उनको भी एसपीजी सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। तो 1991 से गांधी परिवार को एसपीजी की सुरक्षा मिल रही थी जिसको हाल ही में सरकार ने हटाया है।
एसपीजी की सुरक्षा राजीव गांधी की हत्या के बाद गांधी परिवार को मिलनी इसलिए शुरू हुई क्योंकि लिट्टे के द्वारा राजीव गांधी की हत्या की गई थी और ये बताया गया था कि बाकी गांधी परिवार के जो सदस्य हैं उन पर भी खतरा हो सकता है। अब सरकार ने जब ये सुरक्षा हटाई है तो ये दलील दी जा रही है कि तब के वक्त में और अब के वक्त में जो आतंकवाद का स्वरूप है, जो आतंकवाद जिस तरीके से उस वक्त काम कर रहा था और जिन चीज़ों के लिए जो उनका मोटिव होता था वो अलग था, लिट्टे ख़त्म हो चुका है। अब इस्लामिक आतंकवाद जो है वो पूरे एक ऐसा माहौल बनाए हुए है जिसके तहत गांधी परिवार से ज़्यादा खतरा उन लोगों को है जो आरएसएस से जुड़े हैं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है। इसी वजह से हाल में केंद्र सरकार ने गांधी परिवार की सुरक्षा हटा ली है और उनको सीआरपीएफ की सुरक्षा दी गई है। आपके लिए ये जानना ज़रूरी था कि जो सुरक्षा कवच होता है एसपीजी का और सीआरपीएफ का उसमें क्या डिफरेंसेज होते हैं और क्या अंतर होते हैं, ये हमने आज आपको बताया। आप बने रहिए हमारे साथ, इस तरह की कई जानकारियाँ हम आपको समय समय पर देते रहेंगे। धन्यवाद।